नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ रितिका अग्रवाल। रायसीनगर से हमारे संवाददाता राम स्वरूप नायक ने बताया कि रायसीनगर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा जौ की खरीद कच्चे पेड़ और बिना सैड के की जा रही थी। आज समिति द्वारा नई सब्जी मंडी का सैड था, उसके नीचे खरीद शुरू हुई, परंतु मंडी समिति सचिव द्वारा खरीद नहीं करने का कहकर रोक दिया गया। इस संबंध में किसानों की सूचना पर अखिल भारतीय किसान सभा प्रदेश कमेटी सदस्य भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठोलिया वहां पहुंचे और मांग की खाली पड़े सैड के नीचे किसानों की फसल को खरीदा जावे, परंतु मंडी सचिव द्वारा इनकार कर दिया गया। राकेश ठोलिया ने कहा कि 4 साल से सब्जी मंडी बनी हुई है, परंतु उसका जो सैड है वह अनैतिक कार्यों और लोगों द्वारा निजी कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। अनाधिकृत रूप से वहां कचरे के ढेर लगे हुए थे, सहकारी समिति द्वारा किसान हित में साफ करवाकर खरीद शुरू की गई, परंतु मंडी समिति सचिव ने इस पर रोक लगाई, जो कि गलत है। इस संबंध में किसान सभा का प्रतिनिधि मंडल कामरेड शोपत राम मेघवाल, तहसील अध्यक्ष संजय बिश्नोई, राकेश ठोलिया, अरुण पारीख, बबलू स्वामी, विक्रम भादू आदि SDM से मिले और खरीद को सुचारू करने की मांग की। खाली पड़े सैड का उपयोग किसान और मजदूर हित को देखकर खरीद में उपयोग किया जावे। जो ये जो कि कृषि उपज मंडी में जो आया है, उसके बारे में क्या आपका कहना है, क्या समस्या आन पड़ी? अभी हमें मालूम पड़ा कि जो पेप्सी के माध्यम से सहकारी समिति जो खरीद रही है, और ये धान मंडी की फल सब्जी मंडियाँ जो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर बंद पड़ी थी, अनैतिक यहाँ पर गतिविधियाँ होती थी, कुछ फर्मों द्वारा डिग्गी के तरपाल वगैरह का यहाँ अवैध रूप से काम किया जा रहा था, परंतु सहकारी विभाग के उच्च अधिकारियों ने मंडी के उच्च अधिकारियों से बात करके यहाँ पर किसान का जो गेहूँ है, ये जो है जो उसकी जो खरीद है पेप्सी की, वो सहकारी समिति के माध्यम से यहाँ शुरू करवा दी। परंतु यहाँ के मंडी समिति का जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनका रवैया बहुत ही निंदनीय रहा। उन्होंने किसानों को मना किया कि आप यहाँ पे जो नहीं ला सकते। बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि जो शेड है यहाँ पर खाली पड़े थे इतने दिनों से, सहकार समिति द्वारा उनको साफ करा के जब काम चालू करवाया तो अधिकारी किसान को मारने के लिए, किसान की दुर्दशा के लिए ये जिम्मेवार हैं, और यहाँ पर आके उन्होंने रोकने का काम किया। दूसरी तरफ मैं आपको कहूँगा कि वो जो त्रिपाल है, आप कृपया उधर दिखाएं, जो त्रिपाल है जो प्राइवेट संस्थाएं यहाँ पर तैयार करती हैं, वो लगभग पिछले 3 साल से यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। जब किसान को और मजदूर को कोई शेड के नीचे सुविधा मिले तो ये अधिकारी इसके अंदर अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। हमने मंडी समिति सेक्रेटरी को दूरभाष पे चेतावनी दी है, किस तरह का व्यवहार है वो आपका निंदनीय है, आप किसान विरोधी व्यवहार नहीं कर सकते। हमने इस संबंध में एडीएम साहब को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, और हमारी मांग है कि जो खाली पेड़ पड़ा है इसके अंदर जो किसान का जो है ये कॉपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से खरीद हो रही है, ये खरीद शुरू होनी चाहिए। अगर इसमें किसी तरह की कोताही मंडी समिति सेक्रेटरी द्वारा किसी तरह की अड़ंगेबाजी की गई तो सोमवार से हम इसके खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।